नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स में दुनिया को कहा अलविदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज एम्स में अपनी आखिरी सांस ली है। मिली जानकारी के अनुसार रघुवंश प्रसाद सिंह के फेफड़े में संक्रमण था, जिसकी वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया था। अचानक उनकी हालत खराब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके दुनिया को अलविदा कहने पर जदयू नेता केसी त्यागी ने शोक प्रकट करते हुए कहा है कि यह राजनीति की सबसे बड़ी क्षति है। ज्ञात हो, दो दिन पहले अचानक से रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत खराब हो गई थी, इसके बाद ही उन्हें भर्ती करवाया गया था। एम्स में इलाज करवाने के दौरान पता चला कि उनके फेफड़े में संक्रमण की शिकायत थी। वहीं उनके गुजर जाने के बाद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि ये क्या किया रघुवंश बाबू, हमें छोड़कर इतनी दूर चले गए। बिहार में कल से ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने चक्का जाम करने का लिया निर्णय। बिहार में कल यानी कि सोमवार से सुबह 6 बजे से बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने 20 सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया है, जिसकी पुष्टि शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं कर लेती, तब तक उनकी यह मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम की सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। ट्रकों के अनिश्चितकालीन विरोध में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाएं बाधित रहेंगी। दूध, बस, एम्बुलेंस और कैश वैन को नहीं रोका जाएगा। ट्रकों के चक्का जाम करने से फल, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद लोजपा ने 16 सितंबर को बुलाई बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जिसके बाद गठबंधन सरकार में सीट शेयरिंग को लेकर कई अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं उनके आगमन के बाद लोजपा ने 16 सितंबर को बैठक बुलाई है। लोजपा के सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी के बिहार इकाई के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा कि उसे 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव में 143 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या नहीं। आपको बता दें, बिहार से लोकसभा में लोजपा के 6 सदस्य और राज्यसभा में 1 सदस्य केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान है। पार्टी को उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 प्रमुख दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक के समय तक स्पष्टता आ जाएगी। एनडीए में शामिल होने के बाद मांझी ने तेजस्वी को लिया निशाने पर। हिंदुस्तानी आवाम मंच ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम के प्रमुख जीतन राम मांझी भी तेजस्वी यादव पर लगातार निशाना साधते आए हैं। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उस पार्टी में टिकट पैसा लेकर बांटा जाता है। महागठबंधन के छोड़ने के पीछे हमें कोई अफसोस नहीं है, महागठबंधन में सिर्फ एक ही पार्टी की मर्जी चलती है और यही कारण है कि गठबंधन को हमने छोड़ने का फैसला लिया था। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की तारीफ में कहा कि पार्टी गरीबों के हित के लिए हमेशा सामने आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकारी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अनिल कुमार की जीत पक्की है। डॉक्टर कुमार ने क्षेत्र में बेहतर काम किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सूबे को और विकास होगा। पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से अलग अलग शहरों के लिए उड़ानों की बढ़ेगी संख्या। कोविड-19 के कारण विमानों के पहियों पर लगा ब्रेक अब धीरे धीरे हटने लगा है, जिसके तहत धीरे धीरे करके अलग अलग शहरों के लिए और अधिक यात्री विमानों की सेवा शुरू की जानी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवाएं नवम्बर के पहले सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण कार्य का भी इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में नई जगह स्थापित जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का लोकार्पण किया। आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट से पहले की अपेक्षा लगभग 60% विमान उड़ान भर रहे हैं। बिहार में 90% से ज्यादा कोविड-19 मरीज ठीक होकर लौटे घर। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मगर राहत की बात यह है कि बिहार में ठीक होने वाले की दर भी ज्यादा बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बिहार में लगभग 90% बताई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद अब तक 1,41,158 मरीज। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,05,930 सैंपल की जांच की गई है। वहीं इसी तरह बिहार में अब तक कुल मिलाकर 47,73,917 सैंपल की जांच की जा चुकी है। दुनिया को अलविदा कहने से पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से मुख्यमंत्री को लिखा था एक और खत। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं इससे पहले उन्होंने दिल्ली एम्स से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से वैशाली को लेकर कई मांगी की थी। बीते दिन जारी किए गए पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने 10 सितंबर को हस्ताक्षर किया है।
जिसमें सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने वैशाली के सभी तालाबों को जल जीवन हरियाली मुहिम से जोड़ने का आग्रह किया था। सभी तालाबों को खुदवाकर ऐसी व्यवस्था करने की मांग की थी जिनमें सालों भर पानी रह सके। गांधी सेतु पर गेट बनवाने और उस पर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिखने का आग्रह किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वैशाली में कहीं भी सार्वजनिक जगह पर दिनकर जी और मनोरंजन बाबू द्वारा वैशाली पर लिखी कविताएं अंकित करवाई जाए। सोमवार को बिहार पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को पटना मुजफ्फरपुर पहुंचने वाली है, जिसके बाद मंगलवार को यह टीम भागलपुर और गया का दौरा करेगी। चुनाव आयोग की टीम में उप निर्वाचन आयुक्त संदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के साथ साथ आयोग के दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम दो दिन तक डीएम और एसएसपी एसपी के साथ बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगी। जानकारी के मुताबिक आयोग की टीम सोमवार की सुबह पटना पहुंचेगी, जिसके बाद यह मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाएगी। सुबह 9:30 से 1 बजे के बीच मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के जिलों की बैठक में हिस्सा लेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी शहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले का नाम शामिल है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में भी बियाडा अब स्टार्टअप को भी करेगी जमीन का आवंटन। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में अब स्टार्टअप को भी जमीन मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को जमीन देने के लिए बियाडा ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिससे बिजनेस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार देश में अव्वल साबित हुआ है, जिसके तहत शिक्षा, श्रम, कला, नए आइडिया सहित कोई भी क्षेत्र हो, बिहारी अपनी सोच और क्षमता का लोहा बनवाते आए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति के तहत बिहार ने सबसे पहले नए स्टार्टअप को 10 लाख देने की व्यवस्था की है, ताकि बिजनेस के क्षेत्र में नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य के तमाम युवाओं ने आगे बढ़कर इस अवसर का लाभ उठाया है, मगर उनमें से किसी के सामने जमीन की परेशानी थी तो कोई वर्किंग कैपिटल को लेकर परेशान था। हालांकि अब उन्हें सरकारी स्तर पर जमीन मिलने का प्रावधान दिया जा रहा है। बिहार के 6 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति होगी जल्द। बिहार के 6 परंपरागत विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द करवाई जाएगी, जिसके लिए राजभवन सचिवालय द्वारा चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचा दी गई है। कुलपति केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विचार विमर्श होने की प्रक्रिया बाकी है। इसके साथ ही राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद पर भी जल्द ही भरे जाएंगे। और करने की बात यह है कि राज्य के 6 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुलपतियों के पद पिछले 5 महीने से खाली है और कामकाज प्रभाव से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रघुवंश बाबू के सपने को साकार करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से पहले 901 करोड़ की सौगात एक बार फिर से आज बिहार को दी है, जिसके तहत उन्होंने 901 करोड़ की कई योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जहां उन्होंने पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दुर्गापुर बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के नवनिर्मित बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पाइपलाइन की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के शुरुआत में रघुवंश प्रसाद सिंह के दुनिया को अलविदा कहने पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रघुवंश बाबू के हर सपने को साकार करने का आदेश भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष पैकेज से चमकेगी सिवान के 600 मछुआरों की किस्मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष पैकेज योजना के तहत मछुआरों की किस्मत चमकने वाली है, जिसके तहत मत्स्य विभाग और बैंकों ने कवायद शुरू कर दी है। इस योजना के तहत जिले के 600 मत्स्य पालकों को अनुदान के साथ लोन मुहैया कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर नीली क्रांति में सहभागी बन सके। इनको लेकर जिले में प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए भूमि की खुदाई कर तालाब का निर्माण करना जरूरी नहीं होगा। किसान भूमि के ऊपर बायो ब्लॉक तकनीक से त्रिपाल कंक्रीट या 4 फीट ऊंची गोलाई वाले टैंक को रखकर मत्स्य पालन कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत मत्स्य विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति को 60% और दूसरे श्रेणियों को 40% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 45 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार लगातार 4थे दिन 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में बीते 24 घंटे के दौरान 94,372 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही प्रभावितों की संख्या बढ़कर 47,54,357 पर पहुंच गई है, जिसमें से 37,02,556 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,73,175 मरीज अभी भी सक्रिय है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,114 नए मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 78,586 पर पहुंच गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की माने तो कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए सिर्फ शनिवार को 10,71,702 नमूनों की जाँच की गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 5,62,60,928 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया वूट सैल्यूट की नई वेब सीरीज का टीजर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में वूट सैल्यूट की एक नई वेब सीरीज
सीरीज का टीजर लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्त अपूर्व लाखिया के नए शो क्रैकडाउन का रिवील कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट अपूर्व। इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने बताया है कि अपूर्व उनके दोस्त रहे, इसलिए उन्होंने इसे शेयर किया है। अपूर्व से पहले उनकी फिल्म जंजीर का रीमेक भी बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया था। इसके साथ ही अगर इस टीजर की बात करें तो यह एक क्रैकडाउन एक्शन पैक्ड वेब सीरीज नजर आ रही है। इसको साकिब सलीम स्टारर सीरीज में एजेंट और सीक्रेट सर्विसेज और कई तरह की कहानी दिखाई गई है। साकिब किसी एजेंट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। श्रीशांत पर लगा प्रतिबंध हुआ खत्म। 7 साल के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज श्रीशांत पर लगा प्रतिबंध खत्म हो गया है, जिसके बाद अब वो मैदान में नजर आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्रीशांत पर स्पॉट फिक्सिंग को लेकर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद अब यह प्रतिबंध रविवार को पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हालांकि अब वो घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए वैध माने जाएंगे, जिसके बाद अब वो घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे। इसके साथ ही उनकी होम टीम केरल की तरफ से भी खेल सकते हैं। अगर वो अपनी फिटनेस साबित करते हैं तो वो उन्हें टीम में शामिल करने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रतिबंध खत्म होने से पहले शुक्रवार को श्रीशांत ने ट्वीट करके उन्हें लिखा कि मैं हर तरह से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद इस खेल का प्रतिनिधित्व फिर से करूंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में सभी राजनीतिक दलों को अपने दागी राजनेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का टिकट देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।